रक्तवीर संस्था वृंदावन ने शनिवार को नगर निगम चौराहा पर गांधी पार्क के बाहर अपना 13वां रक्तदान शिविर लगाया। जिला अस्पताल के सहयोग से लगे इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 32 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ समाज सेवी व नगर निगम के उप सभापति राधा कृष्ण पाठक, अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी, अधीक्षक गोपाल वरिष्ठ रंगजी, चौकी प्रभारी अमित कुमार, कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर राधा कृष्ण पाठक ने कहा कि सभी सक्षम लोगों को समय समय पर रक्त दान करना चाहिए। देखिए, रक्तदान ऐसा संदेश पदाधिकारी जिन्होंने आज पूरे मनोयोग से बड़े उत्साह से अपना विशाल और सुंदर कैंप का आयोजन किया है। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ उसके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, रक्त की महत्ता शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। मैं अब देख रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको 5-15 दिन में मैंने रक्त की आवश्यकता पड़ती है, बदलने का उनके प्रति रक्त की संस्था के द्वारा जो सेवा की गई है, इसका बड़ा मैं शब्द में नहीं कर सकता। ये क्योंकि वृंदावन धाम में ही कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका आश्रम मेडिकल का भी आप स्थान है। अगले वर्ष और बड़े विचार इस कार्यक्रम करें, ऐसी मंगल कामना आज के अवसर पर मैं आप सभी प्रतिनिधि संस्था के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और जिला अस्पताल की टीम आई है, सब बहुत आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।